सो आगे मूव ऑन करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा जिनकी मदद से हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके सो ये प्रॉपर्टीज़ हमने पहले ही पढ़ी थी, बट क्यों ना हम इसको दोबारा पढ़ लें ताकि हम लोग आने वाले क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाएं. ओके सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जो हम सबने पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स दैट सेम एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास पाई बाय टू होता है. और आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका एक्स होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए माइनस वन से लेके वन के बीच में. ओके सेकंड प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो आपके पास होता है वो भी होता है पाई बाय टू. और यहाँ पे जो आपका एक्स होना चाहिए वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपके पास. थर्ड प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू भी पाई बाय टू होता है. बस x आपका बिलोंग करता है रियल नंबर्स से एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट माइनस वन टू वन. ये ओपन इंटरवल है हमारे पास. ओके सो ये तीन प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी थी जो हमने पहले ही पढ़ी हुई थी. नाउ देखिए जल्दी से फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे बोलती है, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी. तो आपके पास बोलती है कि कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स. यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स का इनवर्स यहाँ पे गिवन है तो. और यहाँ क्या बोलता है आपसे, ये आपसे बोलता है एक्स मस्ट बिलोंग्स टू कुछ भी हो सकता है आपके पास माइनस वन से लेकर वन के बीच में कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो. बिकॉज अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी. सिमिलरली हम अगर बोले यहाँ पर कि सेक इनवर्स 1 बाई एक्स आपके पास क्या होता है तो आप बोलेंगे वो होता है कॉस इनवर्स एक्स. और सेम चीज़ होती है यहाँ पे भी, एक्स बिलोंग्स टू आपका होना चाहिए कॉस के. कॉस का ही एक्चुअल में रेंज है और कॉस इनवर्स का ये डोमेन है तो ये हो जाएगा माइनस में ज़ीरो. ऑलराइट देन सिक्स प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि अगर आपके पास कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स है देन इसमें जो आपको आंसर मिलता है वो क्या मिलता है फटाफट देखें तो आपको मिलता है इसका आंसर टेन इनवर्स एक्स जब आपका x होगा प्रॉपर पॉजिटिव एक्सक्लूडिंग जीरो. जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. और यहाँ पे आपके पास आएगा पाई प्लस टेन इनवर्स x. ये कब होगा जब आपका x नेगेटिव होगा. तो ये चीज़ हमने देखी भी हुई है पहले, बस मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे लिख दिया है. ओके नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं वो होती हैं हमारे पास ये तीन. फटाफट देखो क्या होती है. सेवन्थ प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि अगर हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई करें देन हमें यहाँ पे मिलती हैं दो प्रॉपर्टीज़. ठीक है ध्यान से देखिएगा. तो ये पहली प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि इसका आंसर होगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एंड देन वन माइनस एक्स वाई. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि आपका आंसर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स देन सेम चीज़ एक्स प्लस वाई एंड वन माइनस में एक्स वाई. अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें कब कब अप्लाई करनी है डिपेंड करेगा हमारी इन एक्स और वाई की कुछ रूल्स पे. ओके सो पहला रूल आपसे बोलता है कि अगर आपका एक्स इन टू वाई करने पे आपको लेस देन वन मिलता है देन आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं विदाउट पाई वाली यानी कि सिंपल वाली. और जब कभी भी आपको एक्स इन टू वाई करने पे ग्रेटर देन वन मिलता है देन आप लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे पाई प्लस वाली प्रॉपर्टी. यहाँ पे एक और लिमिटेशन क्या है कि हमारा एक्स और वाई दोनों होने चाहिए पॉजिटिव. ओके बट यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं. यहाँ पे उस समय चेक करना है कि x इंटू वाई करने पे आपको लेस देन वन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ऑल राइट देन एट्थ प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y एक्चुअल में क्या है. तो फटाफट देखिए इसका आंसर क्या होता है. इसका आंसर होता है टेन इनवर्स देन x माइनस वाई एंड वन प्लस एक्स वाई. तो ये काफ़ी हद तक जो फॉर्मूले हैं अंदर वो मैच करते हैं आपके टेन x प्लस वाई के फॉर्मूले जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था. बस यहाँ पे कहीं पे टेन टेन नहीं है, यहाँ पे आप बाहरी एक टेन इनवर्स लगा के रखते हैं. ओके सो ये प्रॉपर्टी भी कब एप्लीकेबल है आपकी, जब x इंटू वाई करने पे आपको ग्रेटर देन माइनस वन मिलता है. ठीक है तो ये कंडीशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब x इंटू वाई करने पे आपके पास लेस देन वन आता है देन आप लोग सिंपली ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं. और जब कभी भी x इंटू वाई करने पे आपको ग्रेटर देन वन मिलता है देन आप लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई में. इन तीन प्रॉपर्टीज़ के अलावा हमारे पास एनसीईआरटी में और कोई प्रॉपर्टी नहीं गिवन. इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो हेल्पिंग बुक्स में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है. कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई तो हेल्पिंग बुक्स में इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास डिफाइंड है. बस एनसीईआरटी के अंदर
ये प्रॉपर्टीज हमारे पास सिर्फ ये तीन गिवन है, तीन का मतलब दो इसकी प्रॉपर्टीज और एक इसकी प्रॉपर्टी। ऑल राइट, सो आप लोगों के पास जब कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा इसमें लिखा होगा साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स कहीं लिखा होगा और साथ में सम या डिफरेंस दिया होगा, देन आपका सबसे पहले एक काम होगा कि आप लोग उन दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स वाले फंक्शंस को कन्वर्ट कर लें टैन इनवर्स में, ताकि आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकें इन दो या फिर तीन फॉर्मूलों को हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें, ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ओके,